इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स फिरमोनस के अलावा एक और फिरमोन्स भी हैं जिसको हम कहते हैं कास्ट रेगुलेटिंग फिरमोन्स ये इंसेक्ट के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट जो हैं यूजुअली सोशल हैं सोशल का मतलब है कि दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज और इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कास्ट सिस्टम हैं और ये इंसेक्ट uh, के अंदर जो फिरमोन्स होंगे ये इसके उसी कास्ट सिस्टम के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और उनकी डेवलपमेंट में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहेंगे कि जो बीज है इसके अंदर रॉयल जेली जो है दिस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनंग द कास्ट इन ऑफ इंडिविजुअल्स इन हनी बी अब जो रॉयल जेली की अमाउंट है जो फीमेल बी का लार्वा फीड करता है दिस डिटर्मेंट्स के उस कॉलोनी के अंदर जो बनने वाला इंडिजुअल है क्या वो वर्कर होगा या वो क्वीन होगा दिस इज़ द कास्ट रेगुलेटिंग फिरमोन्स दिस इज़ द डाइट रॉयल जैली नॉर्मली इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन साइड द हनी बी कॉलोनी अब ये रॉयल जेली की डाइट जो है जब भी ये इंसेट की डेवलपमेंटल स्टेजस में दी गई तो इसके अंदर रॉयल जेली में अंदर आप देखें फास्टर डेवलपमेंट होगी फास्टर डेवलपमेंट थर्टीन डेज के पीरियड में कंप्लीट होगी और उससे बनने वाला जो इंडिविजुअल है वो है क्वीन फिर एक और एक्सपेरिमेंट में जब वर्कर्स को रॉयल जेली की डाइट दी गई तो इसके अंदर जो जब स्लो डेवलपमेंट होगी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो होगा ज़्यादा डेज में कंप्लीट होगा तो बनने वाला इंडिविजुअल जो है वो वर्कर है तो इसके अंदर फिरोमोन्स जो हैं दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनंग द कास्ट इन इंसेक्ट्स ये हनी बी की एग्जाम्पल क्वीन है ये वर्कर है अब क्वीन के आप देखें कि इसके अंदर जैक्ट मैंडेबल्स हैं मैंडिबुलर फिरमोन्स हैं और इसका लॉन्गर लाइफ स्पेन है स्पर डेवलप्ड हैं ओवरीज एक्टिव हैं बार्बलस टिंग्स मौजूद हैं जबकि वर्कर्स के अंदर इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है दिस कैन ओनली लिव थ्री टू सिक्स वीक्स और इसके अंदर इनएक्टिव ओवरीज हैं कॉर्बिक्यूला है तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट रेगुलेटिंग फिरमोन्स इन इंसेक्ट्स टिपिकल इंसेक्ट विच इज द हनी बी दे आल्सो आर सोशल इंसेक्ट्स एंड लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीस इसके अलावा सोशल इंसेक्ट्स की जो अगली एग्जांपल है वो है टर्माइट्स टर्माइट्स के अंदर भी इंसेक्ट थ्री फॉर्म में रहेंगे इनका कास्ट सिस्टम है वर्कर्स सोल्जर्स क्वींस और इंटरेस्टिंगली इसमें भी फिरमोन्स इनकी सोशल फिजियोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेंगे और इनके कॉलोनी के कास्ट रेगुलेशन के मेकनिज़म्स को भी फिरमोन्स ही कंट्रोल करेंगे इनकी कॉलोनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इसकी कैस्ट हैं विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स और हर कॉलोनी में वर्कर का एक अपना स्पेशलाइज टास्क है सोल्जर का अपना स्पेशलाइज टास्क है और क्वीन का अपना स्पेशलाइज टास्क है टर्माइट्स के कास्ट जो हैं इसमें रिप्रोडक्टिव किंग क्वीन वो रिप्रोडक्टिव है सोल्जर और वर्कर्स हैं अब ये डिपेंड करता है फिरमोन्स के ऊपर उनके सरकमस्टेंसेस के ऊपर हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल्स। फॉर द रेगुलेशन ऑफ कास्ट कम्पोजिशंस इंटरेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स, दैट इज सोशल इंटरेक्शंस जो हैं दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिनंग द कास्ट ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स इन देयर कॉलोनी